एवरीबॉडी वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है स्ट्रेट स्टाइल स्टोर हॉल। सो मैं आज का वीडियो एक्चुअली बनाने नहीं वाली थी क्योंकि मैंने जो ये आइटम्स ऑर्डर किए हैं वो अपने इंस्टाग्राम के लिए ऑर्डर किए हैं। मैं वहाँ पे एक बहुत ही अलग कॉन्टेंट पोस्ट करती हूँ इफ यू हैवंट फॉलोड मी देयर। बट जब ये आइटम्स आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो यूट्यूब की ऑडियंस है उनको पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यूजुअली मैं ये ज्यादा बताती हूँ कि क्या आपको खरीदना चाहिए। सो आज की वीडियो में आपको डेफिनेटली ये देखने मिलेगा कि आपको क्या नहीं भी खरीदना चाहिए फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जो सबसे पहला आइटम है, आई गेस ये ओनली आइटम है फ्रॉम द एंटायर वीडियो जो आपको शायद से खरीदना चाहिए, एंड वो है ये ऑरेंज टॉप। एंड अभी ये कलर मुझे काफी पॉपी सॉर्ट ऑफ लगा। थोड़ा आप ड्रेसअप होना चाहते हो कॉलेज में एंड यू नो एक फन आउटफिट आपको पहनना है, आई थिंक ऑरेंज इज द कलर ऑफ द सीजन। एंड H&M एंड Zara अगर आप देखोगे ना, ऑरेंज इज काइंड ऑफ द न्यू ब्लैक राइट नाउ एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर। ये मुझ पे भी काफी अच्छा लग रहा है, फ्लैटरिंग लग रहा है। एंड इसकी नेक जो डिटेलिंग दी है ना थोड़ी सी डीप दी हुई है एंड दो बटन आपको मिल जाते हैं। सो इसको ओपन अप करके भी अंदर एक स्पेगेटी पहन के आप ये उसको ऊपर से पहन सकते हो। आई एब्सोल्युटली लव दिस परचेज। दिस इज नॉट फ्रॉम द 347.99 सेक्शन, ये मैंने अलग से खरीदा है फॉर 350 rupees, विच आई फील इज अ ग्रेट डील क्योंकि इसकी फैब्रिक क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज समथिंग दैट यू विल एब्सोल्युटली फॉल फॉर। मूविंग फॉरवर्ड माय नेक्स्ट परचेज वो है एक स्पेगेटी टॉप। अभी मुझे लगा था कि क्रॉप टॉप है बट एक्चुअली ये स्पेगेटी टॉप है। इसकी फिटिंग एंड ऑल इज रियली नाइस, काफी अच्छे स्ट्रैप से लोग ने दिए हुए हैं एंड इट इज इन द कलर ग्रीन। स्क्रीन पे ये थोड़ा ज्यादा ग्रीन दिख रहा है बिकॉज ऑफ द रिंग लाइट, बट एक्चुअल में इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्कर ग्रीन है, काफी ज्यादा डार्क ग्रीन है। तो अगर आप रात को या कुछ पहनोगे ना ये ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिखने वाला है, ये ग्रीन नहीं लगेगा। बट विद व्हाइट जीन्स एंड यू नो बेज ट्राउजर्स ये काफी फ्लैटिंग लगेगा एंड मेरे पास दोनों वो वाले ट्राउजर्स भी है। सो आई रियली रियली लाइक दिस क्योंकि मैं उन ट्राउजर्स के साथ इसको पहन पाऊंगी एंड ऊपर डेनिम जैकेट एंड ऑल भी ले सकते हो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग स्लीवलेस टॉप। एंड जो लास्ट टाइम मैंने क्रॉप टॉप खरीदा था फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी स्टिचिंग मुझे नीचे की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी एंड इस बार स्टिचिंग काफी अच्छी दी हुई है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है यहाँ से। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल स्पेगेटी टॉप्स आई थिंक यू शुड गो फॉर स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। मूविंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट परचेज जिससे काइंड ऑफ मुझे काफी ज्यादा यू नो एक्सपेक्टेशंस थे एंड वो है ये बैगी टी शर्ट। अब इसका प्रिंट एंड ऑल तो काफी अच्छा लगा मुझे, बट द ओनली प्रॉब्लम इज द स्लीव्स। इसके स्लीव्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, अजीब से स्लीव्स ये लोग ने दिया है एंड इतना बैगी भी नहीं है। आई यूजुअली वेयर स्मॉल एंड मैंने स्मॉल ही ऑर्डर किया है। अगर आप लोग H&M ऑल में देखोगे ना वहां पे स्मॉल साइज भी बैगी टी शर्ट्स में इतना ज्यादा ओवर साइज होता है ना, तो एंड इसमें बिल्कुल भी ओवर साइज नहीं है। एक्चुअली डू नॉट लाइक द फिट ऑफ इट, काफी मुझे टाइट फिट आ रहा है जबकि मुझे प्रिंटेड बैगी लूज टी शर्ट चाहिए थी एंड इसलिए मैंने ये वाला खरीदा था क्योंकि व्हाइट सब पे चला जाता है एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू यू। अगर आप ले रहे हो तो साइज अप इन दिस। प्रिंट एंड ऑल इज नाइस, द फैब्रिक इज ऑल्सो नाइस, बट जो नेक भी है ना काफी हाई नेक सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है जो मुझे थोड़ा सा सफोकेटिंग लगता है। एंड स्लीव्स जो एक्चुअल बैगी टी शर्ट्स होते हैं ना उनके स्लीव्स काफी बैगी होते हैं, इसके स्लीव्स उतने बैगी नहीं है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर यू बाय दिस एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड इट टू यू। H&M में काफी अच्छे मिलते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट लुक एट इट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू गो फॉर H&M या बेवकूफ में भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आई थिंक बेवकूफ में भी 300 कुछ मिल जाते हैं, मेरे पास बेवकूफ के इतने हैं। मैं कॉलेज में कितना ज्यादा बेवकूफ के पहनती थी एंड यूजुअली मैं जब बेवकूफ से खरीदती भी थी ना तभी मैं मेन्स सेक्शन से खरीदती थी क्योंकि उनकी साइजिंग मुझे मेन्स की काफी परफेक्ट लगती है, थोड़ी बैगी एंड लूज मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एंड मैंने कॉलेज में देखा भी था कि काफी सारे लड़के बेवकूफ से काफी सारे आइटम्स ऑर्डर करते हैं। दैट इज वन वेबसाइट आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड इफ यू आर लुकिंग फॉर लूज बैगी टी शर्ट्स। एंड बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट स्किन केयर। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस विटामिन सी सीरम बाय जिम्बल। It helps to dramatically brighten uneven skin tone, decreases skin inflammation and also reduces appearance of wrinkles and face lines. It also makes your skin look brighter and healthier at the same time. This one's affordable and non-toxic. It contains kakadu plum extract which protects against oxidative stress and also contains pomegranate extract which dissolves the dead surface skin cells. It also contains hyaluronic acid which hydrates the skin to protect from dryness. And it doesn't contain any paraben, phthalate, mineral oil, sulfate and it is animal cruelty free. Now you can look bold and beautiful with Zimbel's Vitamin C 15% Face Serum. Zimbel is a beauty brand present in the market and their revolutionary technology helps them make fast absorbing face serum. Make sure you check out the links in the description box below. So, ये वाला जो Vitamin C serum है, आप after washing your face, like cleansing your face and before moisturizing, मतलब उन दोनों steps के बीच में आप ये कर सकते हो. And make sure you do a patch test before you apply it on your skin. Moving forward to my next purchase, which is the biggest disappointment of the entire video, and वो है
ये येलो कलर टॉप। अभी मैं इसका एक फोटो डाल दूंगी स्क्रीन पे क्योंकि वेबसाइट पे आपको कैसा कलर दिख रहा है एंड ये क्या कलर मुझे मिला है। लेमन येलो सॉर्ट ऑफ कलर दिखाया है वेबसाइट पे एंड इतना गंदा कलर मुझे वो लोग ने दिया हुआ है। आई एब्सोल्युटली डिसलाइक दिस परचेज। आई वुड नॉट रिकमेंड बाइंग एनी येलो कलर टॉप फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर क्योंकि कौन सा कलर आपको दे देंगे आपको पता भी नहीं है। अदर देन दैट फिटिंग एंड ऑल इज नाइस। ये नॉर्मल राउंड नेक सॉर्ट ऑफ दी है एंड मैंने काफी कैजुअल सॉर्ट ऑफ टॉप लिया था क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टॉप को आप एलिवेट करके नहीं पहन सकते हो। बट आई एम वेरी श्योर कि काफी सारी लड़कियां ऐसा पॉपी सॉर्ट ऑफ येलो कलर नहीं पहनती है क्योंकि मैं भी इतना पॉपी येलो नहीं पहनती हूँ कभी भी। आपने मेरे प्रीवियस भी कुछ हॉल्स देखे होंगे उसमें मुझे थोड़ा लेमन एंड पेस्टल सॉर्ट ऑफ येलो पसंद है। सो दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ येलो एंड आई डू नॉट रिकमेंड इट टू यू एट ऑल। नॉट दैट यू कैन नॉट एलिवेट दिस आउटफिट, यू कैन डेफिनेटली वेयर इट विद ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स, व्हाइट जीन्स, बट ये काफी यू नो चटक सॉर्ट ऑफ कलर है। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड इट टू यू। सो गाइस दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, मेक श्योर यू कमेंट एंड लेट मी नो योर फेवरेट आइटम। एंड अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। बाय।